वही संभल नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर पालिका के तमाम सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। चार दिन से सभासद अधिशासी अधिकारी और लिपिक के खिलाफ नगर पालिका भवन में धरना दे रहे हैं, मगर अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। तमाम सभासदों ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है, धरनास्थल पर सुरक्षा देने की मांग की। हमारी शिकायत का निस्तारण करें, हमारे इस बात को सुने, एक बार हमें सुने तो सही, हमसे बात तो करें, तभी तो हम उन्हें आप कुछ बताएंगे। हो सकता है मसले का हल हो जाए, वो हमसे कोई बात रखे, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। एडीएम साहब हमारे, फिर शासक महोदय भी तैयार नहीं है, यो साहब भी तैयार नहीं है, और यो साहब ने अभी धमकी भी दी है कि कुछ भी कर सकते हैं, बोले इनकी मनमानी नहीं होगी, इन्हें पिटवा के उठवाया जाएगा। वो पुलिस से पिटवाने की भी बात कर रहा है, और भी कई तरह की बात कर रहा है, लेकिन हम ऐसे डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर वो पिटवाना चाहते हैं पिटवा दें, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सीसीटीवी फुटेज निकल जाएंगे। जो भी है, हमारी कोई गलती नहीं, ना हम कोई किसी के खिलाफ जा रहा है, ना कहीं उतर रहा है, ना कोई बदतमीजी कर रहा है, अपने शांति से बैठे हुए हैं।